राज्यसभा सदस्य एवं राकंपा के अर्बन सेल की अध्यक्ष वंदना चौहान ने शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए विकास एवं पर्यावरण में संतुलन रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राकंपा ग्रामीण के साथ साथ अब शहरी समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने अर्बन सेल का गठन कर समितियां तैयार की है। यह समितियां 10 सूत्रों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगी। चौहान यहाँ पत्र परिषद में बोल रही थी। चौहान ने इस दौरान कहा कि देश में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, इसके साथ समस्याएं भी बढ़ रही हैं। राकंपा ने इन समस्या को चिन्हित कर अर्बन सेल गठित किया है। इसके माध्यम से शहरों में हो रहे प्रदूषण पर नजर रखी जाएगी। सेल ने इस दिशा में 10 कमेटियां बनाई हैं। यह पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की समस्याएं, वरिष्ठ नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करेंगी। हे अर्बन सेलचं काम सातत्याने चालू राहणार आहे, काय नुसतं विशिष्ट पिरियडसाठी किंवा महानगरपालिकेच्या निवडणुकीपुरतं नाही आहे। त्यामुळे शहरीकरण एवढं मोठ्या झपाट्याने वाढत असताना इश्यूज येतच राहणार आहेत, त्यामुळे ते इश्यूज 3-3 महिन्याचे प्लॅन्स करून आम्ही सोडवत राहणार। आज आम्ही अर्बन सेलची मीटिंग झाली, त्याच्यामध्ये ठरवलं आहे की आपण एक लिस्ट करायची की आमचे इश्यूज काय आहेत। प्रत्येक अर्बन सेलच्या मेंबरला आम्ही विचारणार आहोत की त्याला काय वाटतं। आता 100 इश्यूज निघाले तर 100 आम्ही नाही संबोधित करू शकणार, पण टॉप मोस्ट प्रायोरिटीवाले पेठेसाहेब आणि ज्वालाताई बसतील आणि ठरवतील की हे 5 इश्यूज आपल्याला पहिल्याप्रथम संबोधित करायचे, त्या पद्धतीने आम्ही पुढाकार। इस दौरान राकंपा अर्बन सेल के सुरेश पाटिल, ज्वाला धोटे, राकंपा शहर अध्यक्ष धुनेश्वर पेठे आदि मौजूद थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा अटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।